जर्नी टू तंजानिया। काफ़ी तकलीफ होता है फैमिली को छोड़ने में। काफ़ी दिनों के बाद मुझे फैमिली को छोड़ के फिर तंजानिया की तरफ निकल रहा हूँ। रुद्रपुर से दिल्ली नियर अबाउट 242-250 किलोमीटर है। बातों बातों में तो मैं दिल्ली पहुँच ही गया। इस बार मैं फैमिली को छोड़ने का टाइम में पीछे मुड़ के देखा भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं देखता तो मैं पक्का रो देता। तो मुझे काफ़ी तकलीफ भी हुआ था, बिल्कुल नहीं देखा पीछे मैंने। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुआ था, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं, मेरा वाइफ, मेरा दोनों बच्चे को छोड़ के मैंने निकला था। चलो कोई इशू नहीं है, ज़िंदगी में कुछ तो करना ही पड़ता है, किसी न किसी को तो कभी ना कभी छोड़ना ही पड़ता है। फिर आगे इंतज़ार रहता है एक अच्छा चीज़ों के लिए, अच्छा मोमेंट के लिए। यह है दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर है। बिना रुकावट से मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आ भी गया, और अभी कोविड ख़त्म होने के बाद काफ़ी सारा चेकिंग चेकअप, बहुत सारा टाइम जा रहा है। अच्छा, ये है एबरफिल्ट। ये एक दारू है, मतलब ये विस्की है। ये मेरे एक फ्रेंड ने ख़रीदा है, मैंने नहीं ख़रीदा है। और बाजू में जो कॉस्मेटिक्स जोन है, ये भी मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली तो मेरा और एक घर है, दिल्ली में मेरा और एक फ्लैट है। तो कभी ना कभी मैं तो वाइफ को लेके यहाँ आ भी सकता हूँ, क्योंकि हम अक्सर कोलकाता टू दिल्ली फ़्लाइट में ही सफ़र करते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन गैदरिंग बहुत कम है बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड अभी तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है, चालू है। ये टॉप भी है ऊपर से। एक्चुअल मुझे एक राजस्थान का फ्रेंड मिल गया, वो बात बातों में वो फ्रेंड बन भी गया। पता चला कि वो इंडोरामा नाम का एक कंपनी है नाइजीरिया में, जो फ्यूल मतलब पेट्रोकेमिकल है, उसी में वो नौकरी करता है, जॉब करता है वहीं पे। वो हर 6 महीने में वो घर आता है। तो इस बार लकीली या बैड लकीली ही स्टक बिकॉज ऑफ कोविड, तो उससे मिल गया। तो अभी हम दोनों मिलके अभी खाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को ही भूख लगा हुआ है। वो राजस्थान से आया हुआ है और मैं काफ़ी 240 किलोमीटर दूर से आया हूँ। तो अभी इस टेबल पे हम दोनों बैठे हुए हैं इस साइड में। KFC ऑर्डर किया हुआ है, तो हम KFC खाएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या प्लान है। एक्चुअल क्या है, यहीं पे SBI का कार्ड में कुछ फैसिलिटी है जहाँ फ्री में खाना मिलता है, लेकिन एक ही आदमी को फ्री में खाना मिल सकता है एक ही कार्ड से। तो मेरे साथ HDFC का कार्ड था और उसके पास SBI का कार्ड, तो जिस वजह से उसको भी खाना मिल रहा था, तो उसने मेरे लिए काम सेक्रीफाइस किया, उसने वहीं पे खाना नहीं खाया था। हम दोनों मिलके KFC में खाना खाया। तो नज़ारा तो बहुत ब्यूटीफुल है। अभी ये मैं हूँ, ये जिस तरह का सील पहना दिया गया है, जैसे कि मैं कहीं रोबोट हूँ या कहीं दूसरी दुनिया से आया हूँ। ये भी शील्ड है, मोस्टली लोग तो पहना नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि भाई एयरपोर्ट है जहाँ से कोविड स्प्रेड हुआ था। ये है, वो मेरा दोस्त है, रास्ते में दोस्त बन गया। अच्छा लगता है, जॉली लड़का है, वो भी फैमिली छोड़ कर रहता है इंडिया के बाहर। मैं तो कभी फैमिली छोड़ कर इंडिया के बाहर रहा नहीं हूँ, तो भी वो काफ़ी जॉली है। हर 6 महीने में बाबू घर आता है, उसको बेटा को देखा है मैंने, वो बेटा भी बहुत खूबसूरत है। ये एक और एक है मेरे तरह, ये डरपोक लग रहा है, लेकिन ठीक है, कोविड में डर जाओ तो अच्छा है अपने के लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अभी फ़्लाइट की तरफ चल रहे हैं। फ़्लाइट के अंदर अभी जस्ट एक टर्न में ही फ़्लाइट के अंदर ही जाना है हमें, तो हम लोग साथ साथ ही है। काफ़ी ब्यूटीफुल जोन है ये, दिल्ली है। इसे इंडिया में सबसे खूबसूरत में से एक, और एक खूबसूरत ये फ्लाइट है। फ्लाइट मतलब मैं ऑलरेडी फ़्लाइट के अंदर एंट्री कर चुका हूँ। तो यूनाइटेड अमेरिका किसी का फ्लाइट है, ये फ्लाइट के अंदर मैं हूँ। तो बाहर की दुनिया अभी अंदर है, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट में ही ये आपको जिस तरह का एक TV देखने को मिलेगा सीट के पीछे। डोमेस्टिक में मैंने बहुत कम देखा है। दुबई एंट्री कर चुका हूँ मैं, तो दुबई में अभी, दुबई का खूबसूरती तो इंडिया के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हम, लेकिन दुबई में एक चीज़ है, काफ़ी अगर आप कॉन्शियस ना रहे तो आप रास्ता भटक सकते हो, तो क्योंकि इसमें 2 फ्लोर है। एक बार ऊपर ऊपर से भी फ्लाइट पकड़ सकते हो, नीचे से भी फ्लाइट पकड़ सकते हो। वेलकम टू दुबई।
वेलकम बैक टू दोलोन चैनल। ज़्यादा तो बोलना नहीं है, जस्ट एक्चुअल क्या है, कोविड के लिए हमने फ़्लाइट का बहुत इंतज़ार किया है। अभी इंतज़ार का घर ही ख़त्म हो गया, फिर भी मैं फैमिली साथ में ले ला नहीं पाया क्योंकि बच्चे का क्लास है, एग्ज़ाम भी फरवरी से चालू होगा, तो आई थिंक 2-3 मंथ के बाद ही मैं फिर इंडिया वापस आऊँगा और लेके जाऊँगा, इन लोगों को लेके आऊँगा। तो स्टिल आई एम एट दुबई, तो ब्यूटीफुल है। आज से करीबन 10-11 साल पहले मैं दुबई से 2-3 बार अप एंड डाउन कर चुका, लेकिन अभी उससे भी खूबसूरत बनाया गया दुबई से। तो और भी अच्छा है, इतिहाड जो अबू दुबई कहते हैं, उसमें कम से कम मेट्रो तो है, इसमें वॉकिंग करना पड़ता है। ये ड्यूटी फ्री शॉप है, गोल्ड शॉप है। अरे सॉरी, ये तो मैं तो वाइफ को बता के रखा था कि गोल्ड शॉप के लिए हमें एयरपोर्ट के बाहर जाना पड़ेगा, तो वाइफ भी मान ली थी। कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वाइफ को भी दिखा देते हैं भाई गोल्ड शॉप अंदर ही है, क्योंकि उनका जस्ट 20 घंटा पहले उनका डिमांड था कि एक काम करेंगे, हम जब तंजानिया जाएंगे तब दुबई से गोल्ड खरीद परचेस करके लेके जाएंगे, लेकिन गोल्ड का पेयर ही बना के रखा है इन लोगों ने। गोल्ड है नहीं ओरिजिनली मेरे ख्याल से, फिर भी क्या करें। चलो गोल्ड शॉप तो ख़त्म हो गया, अभी जो ख़जाना मिला है वो मेरे लिए वाइन शॉप है। सारे ड्यूटी फ्री जोन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वैरायटी टाइप ऑफ वाइन, वैरायटी टाइप ऑफ विस्की ऑल्सो सब यहीं पे है। ये गाड़ी भी है, लगता है मेड इन इंडिया है क्या? नहीं यार, BMW का गाड़ी है ये। चलो BMW का गाड़ी भी दिखा देते हैं, फ्री में नहीं है, बाय एंड विन में है, ठीक है। तो और अच्छा, वाइफ का खजाना भी यहीं पे ही है बाजू में ही, परफ्यूम्स कॉस्मेटिक्स जो कुछ भी देख रहे हैं सब। अच्छा अच्छा, वो साइड में भी मैक का है, मैक का आई शेडो जो कुछ भी है, XYZ मुझे तो आइडिया नहीं है, बस इतना ही है मेरे अकाउंट से पैसा डिडक्ट होता है और इन्होंने परचेस कर भी लेता है, आइडिया नहीं है किसका क्या प्राइस होता है, कभी कभी देखते हुआ एक एक छोटा छोटा चीज़ ही, छोटा छोटा चीज़ है उसका प्राइस भी तगड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या रहता है इसके अंदर, डोंट नो। चलिए, दुनिया के सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं यहीं पे। गुड मॉर्निंग, अभी यहाँ पे 7:30 बज रहे हैं, दैट मीन्स इंडिया में अभी 9 ही बज रहा होगा मेरे ख्याल से। टाइम तो उतना आता पता है नहीं, बहुत पहले का पता था मुझे। अभी एक ख़जाना में आया है, इसमें सर AED में मतलब दुबई का करेंसी में ख़रीदा जाता है, ड्यूटी फ्री है। ये एक मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को दिखा देता हूँ। एक्चुअल कहे कल ही हम, ये राजस्थान का है और ये बहुत शौकीन है, वाइन का बहुत शौकीन है, जैसे मैं शौकीन हूँ, ठीक है। मैं पीता नहीं हूँ लेकिन मुझे बोतल देखने में बहुत मज़ा आता है कि अरे बोतल सजा हुआ होना चाहिए। आज एक पैक पी लिया तो कम से कम 6 महीने के बाद दूसरा वेरियंट होना चाहिए। ये भी भाई साहब ऐसा ही है, दिल्ली से तो इन्होंने ले ही लिया है, फिर यहीं से भी परचेस कर रहे हैं। फिर इन्होंने रहते हैं नाइजीरिया में, और नाइजीरिया मेरा फार्मर कंट्री है। इन्होंने अच्छे ग्रुप में जॉब करते हैं इंडोरामा में, ठीक है। और एक बार दिखा देता हूँ इनको, इन भाई साहब काफ़ी मेहनत के बाद 7 साल वहीं पे टिक गए। हाउ बोरिंग कंट्री, बट कोई नहीं है, सबके लिए एक जैसा नहीं होता व्यू। मुझे भी अच्छा लगा तभी मैंने वहीं पे 6-7 साल निकाल दिया था। नाइस नाइस, काफ़ी सारा ब्रांड है, इसमें से कुछ ही ब्रांड का नाम तो मुझे पता है, और बहुत ब्रांड का नाम, ये देखिए ये है राम कस्क है, अच्छा 700 ml 477। अभी 20 के हिसाब से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देख सकते हैं कि कितना होगा, नो आइडिया। हाँ, $132 है, उसके 70 के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये भी है, ये वाइन है, वैरायटी टाइप ऑफ वाइन है, बहुत ही अच्छा है, ये सस्ता भी है, $20 का है, तो ये इंडिया में भी मिल जाता है, इतना 1400-1500 में मिल जाता है, ठीक है। और ये भी है, मस्त है वाइन, ये जो है अच्छा लैंसन है, ठीक है। लैंसन का नाम भी सुना था, एक बार देखा भी था, कभी पिया नहीं है, लैंसन है ये। ये गर्लफ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए बहुत बढ़िया है, फिर भी मैं वाइफ का चैनल में दिखाने जा रहा हूँ, अच्छा है।
गर्लफ्रेंड कहाँ मिलेगा, अभी शादीशुदा आदमी हूँ मैं, बच्चा भी हो गया, ये भी बहुत खूबसूरत स्टैंड बनाया तो मस्त है। मेरा तो एक शौक है ही बुढ़ापा में ऐसे एक स्टैंड बना के रखना है, लेकिन हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं, इस तरह का करेंगे तो बच्चे भी पीने लग जाएंगे। चलो कोई इशू नहीं है, थैंक यू। ओह ये टोबैको जोन है, अरे ये तो आई हेट दिस जोन, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका जो रैपिंग होता है, कवर्ड होता है, ये मुझे बहुत पसंद होता है। मैं जब भी पहले नाइजीरिया, उसके बाद उससे पहले मैं सऊदी में रहता था, फिर दुबई में भी रहता था, जहाँ जहाँ मैंने जोहान्सबर्ग भी रहता था, जहाँ जहाँ मैंने रहता था, तब मैंने सब अपना फैमिली लोगों के लिए, जो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको, उनके लिए मैंने लेके आता था, अच्छा लगता था देखने में। ये है चॉकलेट जोन, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो टॉयज वगैरह होता है, इसको क्या कहते हैं, इसके अंदर मतलब सूरा रखा जाता है, दारू एक प्रकार का, ठीक है, ये लोग पीता तो नहीं है दारू, लेकिन नाम ये काम का है, किसी पेड़ का रस है। और ये भी है मस्त कप है, दुबई का सारे दिया हुआ है, क्लॉथ भी है, ठीक है, बढ़िया है, लेकिन मेरा किसी काम का नहीं है। मेरा बच्चे होता तो ज़रूर यहाँ कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेता, अच्छा लग रहा है। डाइट भी है, टॉयज वगैरह यहीं पे है, बाकी जो है हाँ चॉकलेट जो मेरे बच्चे का फेमस है, जब मैं सऊदी में हुआ करता था तब मैंने बच्चे के लिए लेके जाने के लिए सोचता था, अनफॉर्चुनेटली तब मेरा शादी भी नहीं हुआ था, कोई नहीं है, मैं मेरा घर वालों के लिए लेके जाता था। अच्छा किंडर जॉय भी इतना छोटा होता है, अरे बाप रे, ये किंडर जॉय मैक्सी है, ये तो मेरे बच्चे को मिलेगा तो लूट फूट के खाएगा। चलिए अभी मेरा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, ठीक है, बोर्डिंग का टाइम होते आ रहा है, और 40 मिनट के आसपास बाकी है, तो मैं अभी वीडियो का यहाँ क्लोज कर देता हूँ, बाय। ये जो देख रहे हैं ये तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा है, सारे कुर्सी के दोनों साइड में कवर गार्ड दे दिया है, जिससे ये कोरोना की वजह से किया है, ठीक है, अच्छा भी देखने में लग रहा है, प्राइवेसी भी है और साथ में ठीक ठाक है, मेंटेन है, वेल मेंटेन है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मुंह में मास्क भी नहीं है, और काफ़ी सारे लोगों के मुंह में मास्क भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी मेरा वाइफ का ही फेवरेट जोन रहेगा, लेकिन है लेडीज़ इनर क्लॉथ भी है और साथ में बहुत सारे कुछ भी है। अभी मैं दुबई टू तंजानिया की तरफ फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, अभी और ऑन द वे टू फ्लाइट। ये HSBC ये दुनिया का टॉप क्लास बैंकों में से एक बैंक है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे कंट्री में ही होता है, तो और वहाँ का नज़ारा भी बहुत ब्यूटीफुल है, काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा ही रहेगा, आई डोंट नो, यहीं पे इंतज़ार का घड़ी ख़त्म होते आ रहे हैं। ऊपर से मैं थोड़ा नीचे का नज़ारा दिखा देता हूँ, काफ़ी खूबसूरत है दुबई। जस्ट $1500 में आप एक हफ्ते का टूर कर सकते हो दुबई में। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं किसी का नंबर दे दूंगा, डेफिनेटली आप $1500 में आप एक हफ्ते का टूर कर सकते हो पूरा दुबई, तो काफ़ी एंजॉयमेंट हो सकता है यहीं पर, क्योंकि इसको एक यूरोप बनाया, दुबई वालों ने दुबई को यूरोप बना डाला है, सब कुछ है यहीं पे, जो आपको ज़िंदगी में देखना है, जो कुछ चाहिए सब कुछ है। ये आर्टिफिशियल खजूर का पेड़ है, जो इसीलिए दुबई आपको दुबई अभी सब जोन में आपको मिलेगा, सबसे जाएगा भी नहीं। बाहर लग रहे बारिश हो रहे, नहीं बारिश नहीं है, कुछ नहीं, ये एमिरेट्स का है, एमिरेट्स मतलब दुबई कहलाता है, दुबई का जो फ्लाइट है उसका नाम है एमिरेट्स। खाना काफ़ी अच्छा दिया है, काफ़ी दिन बाद मुझे जग डेनियल पीने का मौका मिला है, तो मैंने पूछ लिया है कि क्या चाहिए, उन्होंने पूछा है तो मैं बताया कि भाई उसकी में क्या है जग डेनियल, ओके नो प्रॉब्लम ब्रिंग। ये 30 ml का है, तो मैंने मुझे लगा कि काफ़ी थका हूँ मैं काफ़ी, तो जग डेनियल पी लिया और शो भी गया था। ये फ्लाइट लैंड होने वाला है दार एस सलाम, जो तंजानिया का कैपिटल है। ये बाहर आप देख रहे हैं ये पंछी नहीं है, ये काफ़ी ऊपर जब रहता है फ्लाइट तो बाहर नेगेटिव
नेगेटिव में मात्रा रहते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर, उसमें ये सब आइस जैसा दिख रहा है, वो कोड़ा है, ओट्स है, ठीक है। तो ये पक्षी नहीं है, कीड़ा भी नहीं है। मैं काफ़ी ऊपर से लेने की कोशिश किया, ये जो ये कान के ये टेल की तरह दिख रहा है, जो ये जो ये माशा की कहते हैं, और दोनों आइलैंड दिख रहा है, एक बोंगोयो आइलैंड है और एक इम्बुदी आइलैंड है। वो नीचे से एक कीड़े मकोड़ा नहीं है, ये घर है, ये सारे बिल्डिंग्स है, काफ़ी खूबसूरत है ये सिटी। तो हम लैंड करने वाले हैं अभी, जस्ट लैंड होने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे दिखता, कैसे ग्रीनरी भरा हुआ है, बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री कंट्री है ये, दुनिया का यही पहला, अफ्रीका का यही पहला कंट्री है, दुनिया का नहीं, अफ्रीका का पहला कंट्री है जो कोविड के टाइम सबसे पहले ओपन किया गया था, फर्स्ट कोविड के टाइम। अंदर बहुत खूबसूरत है, ये है कंपनी की तरफ से भेजा गया मेरे नाम से, अभी ड्राइवर को भी दिखा था, वो भी चामुंडा ही है, नाइजीरियन की तरह काला है, लेकिन काला तो क्या हुआ, मैं 6-7 साल के एक्सपीरियंस में देखा है मैंने, ये लोग काफ़ी हेल्पफुल और अच्छा नेचर का होता है, हमारा ब्राउन स्किन वालों की तरह तो बिल्कुल ही नहीं होता है, और गोरे तो गोरे के बाद ही कुछ और होता है, वो उनको तो कोई कुछ चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। कल मैं पहुँच ही गया, काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है, नाइजीरिया से काफ़ी खूबसूरत है। नाइजीरिया में जैसे हैरेसमेंट किया जाता है, भाई बाहर निकलो तो 50 लोग तो घिर पकड़ लेता है, या तो सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर जाना है तो ठीक है, वरना तो छोड़ो, कोई इशू नहीं है। तो ये एक बहुत खूबी है, अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि इंसान जब पहली बार अब्रोड आता है, अब्रोड निकलता है बाहर एयरपोर्ट के तरफ या एयरपोर्ट के बाहर, तब काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसी टाइम अगर बहुत सारे लोग पकड़ लेता है, अरे टैक्सी चाहिए क्या, पैसे चाहिए क्या, जाना है क्या, इधर जाना है क्या, उधर जाना है क्या, अरे आदमी घबरा जाता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं मेरे साथ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए। तो जिस वजह से ये जो है ना बहुत स्ट्रेंस वाला काम है, काफ़ी मुझे तो अच्छा ही लग रहा है यहाँ का, अभी तक तो बिगिनिंग बहुत अच्छा ही लग रहा है, पहले दोस्तों से भी पता चला था। और ये यहीं पे एक नया वर्ड है, करीबू, करीबू मतलब वेलकम, वो जो बैनर दिख रहा है उसमें लिखा हुआ है करीबू। आ गया, अभी ये फ्रंट व्यू है, अभी मेरा ड्राइवर जो लेने के लिए आया हुआ है, बाबा, ओ नाइजीरिया में बाबा कहते हैं, आई डोंट नो यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल यार, लुक इज मिस्टर राशिद, ओके, सो आई एम फॉलोइंग हिम। गर्म है, बस इतना ही है, ज़्यादा और कुछ नहीं, मुझे लगता है थोड़ी देर में जैकेट उतार देना पड़ेगा, और कुछ नहीं है, देखते हैं अपना रेसिडेंस पे पहुँचता हो, उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है, आज ऑफिस ज्वाइन भी लेट हो गया, आज नहीं है तो कल तो कर लूँगा, कल मेरा फेवरेट दिन है, कल फ्राइडे है, अच्छा लगता है फ्राइडे में कुछ भी काम करता हूँ। यह मेरा बैग रखा जा रहा है, तो ये है, आई डोंट नो किसका गाड़ी है, मेरा गाड़ी जब आएगा तो दिखा जाएगा, मैं दिखाऊँगा, ठीक है, दो दिन के चैनल से, ओके बाय, सी यू नेक्स्ट।